वेलकम टू टागे विदेशियर्स। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर की कोई भी भर्ती आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिससे कि आप लोगों को जानकारी हो सके और आप लोग अगर उस भर्ती में एलिजिबल हैं तो अगर चाहें तो उसमें आवेदन कर सकें। और जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि जानकारी होगी तभी आप लोग इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। जब जानकारी ही नहीं होगी तो अप्लाई कहाँ से कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चर की नई भर्तियों की जानकारी चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर भर्तियों की अपडेट मिलती रहेगी। तो इसी के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक नई कृषि भर्ती के बारे में, जो कि आई है उत्तर प्रदेश की। ये बम्पर कृषि भर्ती है और इसका नाम है असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर ATM, जो आपकी भर्ती आती है ATM BTM की, तो ये वही ATM वाली भर्ती है। तो ये बिल्कुल AGTA की कॉपी आप समझ सकते हैं। इस भर्ती में काम बिल्कुल AGTA वाला करना है और सैलरी भी लगभग उतनी ही मिलने वाली है, जो बेसिक सैलरी है वो ठीक है, बाकी अलाउंसेस में थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है। इसके अलावा योग्यता जो है BSc AGS समकक्ष। और उत्तर प्रदेश में ये एग्रीकल्चर ATM BTM की भर्ती जो है ये 13 साल बाद आई है, इसीलिए इसकी लोगों को जानकारी ही नहीं है। और ये ऐसी जगह से भर्ती निकाली गई है कि इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, इसके लिए ये चैनल है ना टारगे विदेशियर्स, किसी को जानकारी ना हो यहाँ पर आपको जानकारी अवश्य दी जाएगी। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या है, पूरी जानकारी दी जाएगी। पद योग्यता भर्ती प्रक्रिया पूरी जानकारी, सैलरी कितनी क्या मिलने वाली है पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ आएगी। वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा तभी आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है, भले वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि इसमें मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। इसका ना कोई एग्ज़ाम होने वाला है और ना आप लोगों को इसके लिए कोई पैसा देना है अप्लाई करने के लिए, बिल्कुल फ्री है। इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे और पूरी जानकारी आप समझ पाएंगे। तो मैं बिल्कुल आराम से पूरी जानकारी देने वाला हूं वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये एक नोटिस है कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश की तरफ से, ये जारी किया गया है कृषि भवन लखनऊ में। ये नोटिस ये जारी किया गया 28 जून 2024 मंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक अयोध्या देवी पाटन बस्ती एवं गोरखपुर मंडल के लिए ये वैकेंसी है, इसका ये नोटिस है, ठीक है। बाकी सभी लोगों के लिए, सभी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग आपके ब्लॉक में ये वैकेंसी आती है, तो ऐसा मत समझिए ये गोरखपुर और बस्ती के लिए है, ये अन्य जगहों के लिए भी है। अभी वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो विषय है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, मतलब SMAE आत्मा बोलते हैं या फिर आत्मा, ठीक है। आत्मा आप लोग जानते ही हैं, SMAE भी इसको डैश करके लिखा हुआ है, स्लैश करके। तो इसके योजना अंतर्गत प्रदेश के आकांक्षात्मक विकास खंडों हेतु एक एक अतिरिक्त ATM आपूर्ति किए जाने के संबंध में। तो ये ATM क्या होता है, देखिए मैंने एक ATM लोग जो हैं वो लगे हुए हैं ATM इसी पोस्ट पे, तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि एक जो ब्लॉक होता है वहाँ पे एक ही ATM होता है, ठीक है। और अब एक एक पोस्ट और बढ़ाई गई है, इसलिए वैकेंसी आई है लगभग 13 साल बाद ये वैकेंसी। इससे पहले 2011 में आई थी ये वैकेंसी, उन्होंने बताया था मुझे। तो इसलिए अब यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा, उपर्युक्त विषय अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति SLSC की बैठक में आत्मा योजना अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से प्रति विकास खंड एक अतिरिक्त ATM योजित किए जाने हेतु, देखिए एक अतिरिक्त ATM जो है वो योजित किया जा रहा है, इसीलिए ये वैकेंसी आई है, क्योंकि ये वैकेंसी ऐसी है कोई छोड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल AGTA की तरह ही ये वैकेंसी होती है। तो योजित किए जाने हैं प्रथम चरण में आकांक्षात्मक विकास खंडों में एक एक अतिरिक्त ATM योजित किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। तो उक्त क्रम में आपके मंडल हेतु अनुबंधित सेवा प्रदाता के माध्यम से इन नवीन कार्मिकों की आपूर्ति आउटसोर्सिंग की जानी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये भर्ती आपकी आउटसोर्सिंग पे आएगी, ये भर्ती जो है आपकी आउटसोर्सिंग पे की जा रही है। और जबकि दूसरे जो प्रदेश हैं आपके मध्य प्रदेश और बिहार, इन पे ये रेगुलर भर्ती आती है और ये गवर्नमेंट की तरफ से जारी की जाती है और उसका एग्ज़ाम भी होता है। ये वैकेंसी जब आई थी शायद अभी जल्दी मध्य प्रदेश में आई थी, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, लेकिन UP का दुर्भाग्य है यहाँ ये भर्ती आउटसोर्सिंग पर निकाली जा रही है, संविदा पर भी नहीं है, ये आउटसोर्सिंग पर है। संविदा और आउटसोर्सिंग में एक डिफरेंस होता है, संविदा वो होती है जो सरकारी विभाग में सरकार की तरफ से ही लगाए जाते हैं लेकिन वो सरकारी नहीं होते हैं,
ठीक है। और आउटसोर्सिंग वो होता है जिसमें किसी कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है, ठेका दे दिया जाता है, तो वो कंपनी भर्ती करती है और उस भर्ती में वो भर्ती कर लेती है, फिर वो कंपनी ही सैलरी देती है, ठीक है। उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ काम जो है, जो प्रोजेक्ट है वो सरकार का रहेगा, लेकिन जो सैलरी देगी वो कंपनी देगी। तो ये फ़र्क होता है आउटसोर्सिंग और समुदाय वालों में। तो ये यूपी का दुर्भाग्य है कृषि छात्रों का कि ये भर्ती यूपी में आउटसोर्सिंग पे जारी की गई है। तो यहाँ पे ये आउटसोर्सिंग पे की जाएगी, इसकी योजना की गाइडलाइन के अनुसार पद में संबंधित अर्हता एवं विवरण निम्न प्रकार हैं निर्धारित हैं। तो योजना का नाम यहाँ पे सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन SMAE आत्मा ATM, पद का नाम है ATM मतलब असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर, और नियुक्ति का प्रसार है आउटसोर्सिंग, ये आउटसोर्सिंग पे भर्ती की जाएगी, ठीक है। और शैक्षिक योग्यता जो है आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगे जाएंगे, एग्री एलाइड सेक्टर प्रिफरली 1 ईयर एक्सपीरियंस, जिनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है उनको प्रिफर मतलब वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो ये 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूरी नहीं है, उनको सिर्फ वरीयता दी जाएगी। सैलरी जो है आपकी 21,000 यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन अलाउंसेस भी लगभग 4 से 5 हज़ार मिल जाते हैं, तो आपकी सैलरी लगभग भाई 25,000 तक बन जाएगी। मैंने ATM में जो लगे हुए हैं, यही ATM में जो लगे हुए हैं उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि इतनी ही सैलरी मिलती है इसमें, लगभग 25,000। लेकिन वो चूंकि 2011-12 से जब ये वैकेंसी आई थी उस समय से लगे हुए हैं, तो उनकी सैलरी लगभग 35-40 हज़ार के आसपास इस समय उनको मिल रही है, ठीक है। तो इसमें सैलरी भी बढ़ती रहती है आप लोगों की, इसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे एक बात और बता दूँ, आउटसोर्सिंग की जॉब वो होती है जो आपको 11 महीने के लिए जो प्रोजेक्ट है वो दिया जाता है, उसके बाद आपको एक फॉर्म फिर से भरवाया जाता है और रिन्यू करवा लिया जाता है, मतलब जॉब से निकाला नहीं जाता है, 11 महीने बाद आपको रिन्यू कर लिया जाता है, ठीक है। इसीलिए 2011 से अभी तक इसमें लोग जॉब कर रहे हैं। तो ये मत सोचना है कि ये इसमें हटा दिया जाता है, इसमें हटाया नहीं जाता है, रिन्यू करते रहते हैं और ये जॉब आप लोग करते रहते हैं, सैलरी भी बढ़ती रहती है। तो इसमें लिखा हुआ उल्लेखनीय है कि वर्तमान में मंडल स्तर पर सेवा प्रदाता में से आपके स्तर से अनुबंध का निष्पादन किया गया है, अतः निर्देशित किया जाता है कि संबंधित सेवा प्रदाता के माध्यम से पत्र के साथ संलग्न आपके मंडल में स्थित आकांक्षात्मक विकास खंडों की सूची के अनुसार प्रति विकास खंड 1 अतिरिक्त ATM अनुबंध की नियम एवं शर्तों, सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों के क्रम में सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से उपरोक्त अर्हता एवं विवरणात्मक नियमानुसार चयन प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए अंतिमीकृत की गई सूची का अनुमोदन से पूर्व योजना के स्टेट नोडल हेड कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश से अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु अधोस्तरी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो आप इसमें ये देखिए लिखा हुआ है सेवा आयोजन पोर्टल, तो सेवा आयोजन पोर्टल पे ही आपकी आउटसोर्सिंग जितनी भी वैकेंसी आती हैं आउटसोर्सिंग की सेवा आयोजन पोर्टल पे ही आती हैं, तो वहीं पे आप लोगों को इसके लिए ID बनानी पड़ेगी और आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन शुल्क 0 लगेगा आपका, कोई भी फीस कटने वाली नहीं है, आपको सिर्फ आवेदन करना है, उसके बाद आगे क्या क्या होता है अभी आगे मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो नीचे और ये ठीक है, ये पद और ये देखिए, ये जो आपका जनपद है अंबेडकर नगर में, इसमें ये ब्लॉक के नाम लिखे हैं, 1-1 ATM जो वैकेंसी है ये सब जानकारी यहाँ पे दी गई है, कुल पदों की संख्या वगैरह, ये अंबेडकर नगर अमेठी और बाराबंकी का ये नोटिस है, ठीक है। अब हमने दूसरा नोटिस खोल लिया है, तो यहाँ पे भी ये थोड़ी बहुत जानकारी इन्होंने दे रखी है, इसको यहाँ पर पढ़ना बेकार, क्योंकि जो ऊपर की जानकारी है वो लगभग सेम है, एक जैसी है, तो इसको पढ़ना बेकार। अब ये दूसरा जो ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक आपका, ये ब्लॉक के नाम दिए गए हैं और जो डिस्ट्रिक्ट के नाम, जनपद के नाम दिए गए हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, बरेली, बिजनौर, बदायूं, पीलीभीत, रामपुर, संभल। इसमें देखिए अलग अलग ब्लॉक में एक एक वैकेंसी है, क्योंकि एक ब्लॉक में एक ही ATM होता है, ये नए पद कुछ सृजित किए गए हैं इसलिए ये वैकेंसी जारी की गई है। तो इसमें कुल पदों की संख्या जो है वो 22, टोटल 22 पदों की संख्या जो है वो निकाली गई है सिर्फ इन जनपदों में, बरेली, बिजनौर, बदायूं, पीलीभीत, रामपुर, संभल, इनको मिला के। और ये जो कंपनियां जो हैं ये भर्ती करवाने वाली हैं वो है मेसर्स अविका इंफ्राटेक, और दूसरी है मेसर्स ग्लोबल मल्टीवर्स, मेसर्स बंडर पॉइंट क्रिएटिव सॉल्यूशंस। इसके अलावा जब आप सेवा आयोजन पोर्टल पे आवेदन करने जाते हैं ना, तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है, और ये इस तरह से ये वैकेंसी दिखाई पड़ेगी अगर आप लोगों ने
एग्रीकल्चर की डिटेल भर रखी है तो, नहीं तो ये वैकेंसी शो ही नहीं करेगी, क्योंकि जो एग्रीकल्चर कर रखे हैं ना सिर्फ उनको ही शो करती है। इसलिए यहाँ पे अभी तक सिर्फ 930 ही आवेदन हुए हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ये वैकेंसी आई है, और आपको सिर्फ टारगेट विद्या से चैनल पर ही जानकारी मिलती है ऐसी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एग्रीकल्चर भर्तियों की अपडेट के लिए। तो यहाँ पर सैलरी लिखी हुई है 21,000, बाकी अलाउंसेस मिलते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 1 अगस्त है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम दिया जाता है, ये लोग 5 से 6 दिनों का टाइम देते हैं आवेदन करने के लिए, उसके बाद तुरंत इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, सिर्फ इंटरव्यू लिया जाता है उसमें। और वहाँ इंटरव्यू कैसे होता है, वैकेंसी के लिए क्या डिमांड करते हैं वो लोग, क्या नहीं, ये सब इस चैनल पर मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता हूँ, कुछ सीमाएँ होती हैं जो मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। जानकारी तो मुझे पूरी है अंदर तक की, लेकिन मैं ऐसे चैनल पर डायरेक्ट नहीं बता सकता, वो सब अंदर का मामला है, आप लोग समझ ही गए होंगे। बाकी यहाँ पे देखिए जो इंटरव्यू में है, क्वेश्चन होते हैं आपसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो वैकेंसी आई है आपकी, ये जनपद आई है, जनपद यहाँ पे लिखा हुआ है बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, अमेठी, इन जनपदों में आई है वैकेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 8 वैकेंसी है, और यहाँ पर आपकी न्यूनतम आयु 21 से 58 साल मांगी गई है, सैलरी भी 21,000 लिखी हुई है, वेतन सीमा आपको 20,000-30,000 के बीच में ये वैकेंसी दिखाई पड़ेगी। ये सेवा योजन पोर्टल का वेतन सीमा लिखा हुआ है, इस वैकेंसी के लिए नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। कार्य का विवरण देखिए यहाँ पे पूरा एक बार दिखा ही देते हैं आप लोगों को। ये कंपनी जो है ये जुपिटर की तरफ से ये निकाली गई है वैकेंसी, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर, और कृषि विभाग 1/8/2024 लास्ट डेट है, कुल रिक्तियां 8 हैं, अनिवार्य योग्यता जो है बीएससी एग्रीकल्चर, और रिक्त की प्रकृति थर्ड पार्टी मतलब किसी अन्य कंपनी के द्वारा रिक्त प्रकृति ये दिया गया है। बाकी यहाँ पे कार्य का विवरण, एटीएम वैकेंसी फॉर अयोध्या मंडल, ये अयोध्या मंडल के लिए आई हैं, एटीएम वैकेंसी फॉर अमेठी, अम्बेडकर नगर एंड बाराबंकी, एटीएम वैकेंसी फॉर अयोध्या मंडल। तो यहाँ पर अपेक्षित वर्ग जो हैं वो पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, ये सभी लोग आवेदन कर सकते हैं इसमें। और बाकी यहाँ पे मैं जानकारी दे चुका हूँ आप लोगों को। एक और वैकेंसी आई है यहाँ पे देखिए, रामा इन्फ्रोटेक, इसमें 31 वैकेंसी हैं भाई साहब, 31 वैकेंसी यहाँ पे देख रहे हो, ये 31 वैकेंसी है, किस जनपद की है, देखिए जनपद के नाम लिखे हुए हैं, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, ठीक है। और ये एटीएम की ही आपकी वैकेंसी है, 31 वैकेंसी है यहाँ पे, और यहाँ पे पूरी जानकारी वही है जो मैं दे चुका हूँ, एक्सपीरियंस वाले प्रेफर्ड मतलब वरीयता दी जाएगी, एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, बाकी आपके पास ग्रेजुएशन है, बीएससी एग्रीकल्चर या समकक्ष कर रखा है तो आप लोग आवेदन पोर्टल पे आईडी बनाइए और इसमें आवेदन कीजिए बिल्कुल फ्री में, ठीक है। एक और है देख लीजिए, रामा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पर देखिए जनपद जो है वो है आपका बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी हैं आपकी ये 21 वैकेंसी हैं, ठीक है, ये 21 वैकेंसी हैं आपकी इस जनपद के लिए, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। एक और है ये सेवा आयोजन पोर्टल से 11 वैकेंसी, ये अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, 11 वैकेंसी हैं इन डिस्ट्रिक्ट के लिए, चार डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हुए हैं, देखिए 4 डिस्ट्रिक्ट के लिए 11 वैकेंसी, ठीक है। एक और वैकेंसी है ये बंडर पॉइंट क्रिएशन, इस कंपनी की तरफ से ये इन्होंने 67 वैकेंसी निकाली हैं, 67 वैकेंसी, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं देखिए, इतने डिस्ट्रिक्ट के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, पढ़ लीजिए, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, ठीक है, बलिया, इसके लिए कितनी वैकेंसी हैं आपकी, 67 वैकेंसी हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है 67 वैकेंसी, ठीक है। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं, ये देखिए ये है बरेली, बदायूं, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, संभल, तो इसके लिए कितनी वैकेंसी है, इसके लिए है यहाँ पे 22 वैकेंसी, ठीक है, ये 22 वैकेंसी हैं, और यहाँ पर 22 वैकेंसी के लिए इन डिस्ट्रिक्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। और ये अलग कंपनी है, ग्लोबल मल्टीवर्स मतलब अलग अलग कंपनी के पास ये टेंडर दिया गया है, थोड़ी थोड़ी कंपनी करके इन्होंने टेंडर दे रखा है, इन्होंने पूरी वैकेंसी की खीर बांट दी है, एकदम पूरी बांट रखी है, 10 वैकेंसी तुम ले जाओ, 20 तुम ले जाओ, 50 तुम ले जाओ और भर्ती करो जाके, मतलब एक जगह से नहीं निकाल सकते थे भाई साहब। तो यहाँ पे देखिए 18 वैकेंसी निकाली हैं, और ये आपकी हैं किन जनपदों से, अलीगढ़, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, ललितपुर, जालौन, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, इन डिस्ट्रिक्ट से ये वैकेंसी आई हुई हैं।
यहाँ पे पोर्टल पे कुछ और भी वैकेंसी आती रहती हैं, अगर आप लोग एलिजिबल होंगे तो आपके पास शो करेगी, आप लोग आवेदन कर पाएंगे। कृषि विभाग से एक और वैकेंसी आई हुई है, तो यहाँ पे देखिए अयोध्या सुल्तानपुर बाराबंकी अम्बेडकर नगर अमेठी, तो यहाँ से एक लैब अटेंडेंट की ये वैकेंसी आई है, ठीक है। और इसमें 2850 आवेदन हो चुके हैं, इसकी तो मैं इस वीडियो में बात ही नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। इसमें 12000 सैलरी है, बहुत लोग आवेदन करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा आवेदन हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे डिटेल में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, बाकी ये भर्ती ऐसे ही आई है। किसी भी इसमें देखिए फ्री आवेदन होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों के पास जो है आवेदन कर देंगे तब आप लोगों के पास ईमेल भेज दी जाएगी, ठीक है। ईमेल अगर आएगी तो आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे, अगर ईमेल ना आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें सिलेक्शन किस्मत से होता है, इसमें आपकी आपके पास क्या योग्यता है उससे कोई मतलब नहीं। बीएससी एजी है तो उससे सिर्फ आवेदन कर सकते हैं, बाकी आप लोग कितने होशियार हैं कितने टैलेंटेड है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास ईमेल आएगा तभी आप लोग इंटरव्यू देने जा पाएंगे, अगर बुलाया जाएगा तो, नहीं तो आप लोग नहीं जा पाएंगे। अब एटीएम की भर्ती अन्य राज्यों में तो सरकारी स्तर पर निकाली जाती है, सरकारी मतलब एग्ज़ाम करा के भर्ती करवाई जाती है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, या आप लोगों को कुछ अन्य जानकारी है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, अन्य राज्यों के बारे में। बाकी यहाँ तो ये आउटसोर्सिंग में निकाली गई है भर्ती पूरी, और वो भी पूरी भर्ती की खीर फैला दी है, हर कंपनी को थोड़ी थोड़ी करके वैकेंसी बांट दी गई हैं, और बस आवेदन लो और मन चाहे जैसे भर्ती करो। जिसको भी ये वैकेंसी मिल जाएगी, एजीटीए की तरह बिल्कुल जॉब होती है, एजीटीए की तरह ही काम करना पड़ता है, क्योंकि जो इसमें लगे हुए हैं एटीएम पद पे, मैंने उनसे बात की है, पूरी डिटेल ली है इसके बारे में, और उसी के आधार पर मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी आ चुकी है मैं आप लोगों को पूरा दिखा चुका हूँ। यहाँ पे अन्य लोग पूछेंगे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आई है, तो भाई मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था कि इसमें जो वैकेंसी हैं ब्लॉक में एक होती है, हर ब्लॉक में एक वैकेंसी होती है, तो वैकेंसी ऑलरेडी फुल हैं, और ये नए पद क्रिएट किए गए हैं, एक एक पद हर ब्लॉक में, मतलब जो भी ब्लॉक है उनमें एक एक पद और क्रिएट किए गए हैं, इसलिए ये वैकेंसी निकाली गई है इतने पदों पर, ठीक है। तो ये हो गई पूरी जानकारी, और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, एग्रीकल्चर भर्तियों के लिए बनाया है, एग्रीकल्चर जॉब टारगेट विद SAH, इसको इस नाम से सर्च करना, यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, जो भी जानकारी होगी मैं यहीं पर डाल दूँगा, ठीक है, अगर कोई जानकारी होगी। वैसे मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना दिया है, आगे कोई जानकारी देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरी जानकारी दे ही दी है, फिर भी कोई एडिशनल जानकारी देनी होगी मैं यहीं पे आप लोगों को जानकारी दूंगा। यहाँ पे मैंने टारगेट दिया था आप लोगों को कि कुछ सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए, लेकिन आप लोगों ने नहीं बढ़वाए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को वैकेंसी की जानकारी देता रहा हूँ और देता रहूँगा, जब तक कर सकता हूँ अपने स्तर पर पूरा प्रयास रहेगा आपको हर वैकेंसी की जानकारी देने का, ठीक है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पर अन्य जॉब्स के नोटिफिकेशन भी पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। एग्रीकल्चर के कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले यहीं पे दी जाती है, ये नोटिफिकेशन पड़े हुए हैं, और न्यूज़ भी मिलती रहती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो ये हो गई पूरी जानकारी, और वीडियो पूरा देख लेना भाई साहब, मैंने पूरी बात पूरी डिटेल में एकदम वीडियो बता दी है। फिर भी आप लोगों का अगर कोई ऐसा सवाल पूछेंगे ना कि जो मैं वीडियो में बता चुका हूँ उसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है बनाने में, तो आप लोग प्लीज़ एक बार देख सकते हैं, और आपको सिर्फ देखना ही है वीडियो, पूरी जानकारी मिल जाएगी। ऐसे और एग्रीकल्चर भर्तियों के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।